हेलो स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज एनालॉग्स विद नेचुरल लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज का टॉपिक है एनालॉग्स विद नेचुरल लैंग्वेज तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज इज ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन वी यूज़ ए नेचुरल लैंग्वेज सच एज़ इंग्लिश टू कम्युनिकेट आवर आइडियाज एंड इमोशंस टू अदर्स ए प्रोग्रामर यूज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज टू इंस्ट्रक्ट ए कंप्यूटर वॉट ही शी वॉन्ट्स इट डू डू ऑल नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच जर्मन यूज ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल्स फॉर कम्युनिकेशन एवरी वन यूजिंग दैट लैंग्वेज अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड सिम्बल्स दैट ऑफ वर्ड्स अलाउड इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ए वॉकैबलरी देखिए लैंग्वेज क्या होती है लैंग्वेज से हम क्या समझते हैं लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन जिस लैंग्वेज का यूज़ करके हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं अवर आइडियाज़ इमोशंस किसी भी दूसरे के साथ दैट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज सेम इसी टाइप से प्रोग्रामर यूज़ करता है कंप्यूटर लैंग्वेज को टू इंस्ट्रक्ट इंस्ट्रक्टेड कंप्यूटर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि वॉट ही शी वॉन्ट्स इट टू डू इट कि उसे क्या करना है ऑल नेचुरल लैंग्वेज जो दूसरी नेचुरल लैंग्वेज होती हैं जस्ट लाइक ऐसा इंग्लिश हो गई आपकी फ़्रेंच हो गई जर्मन हो गई वो यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल्स प्लस माइनस कॉलन सेमी कॉलन लेस दैन ग्रेटर दैन एक्सट्रा फॉर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के लिए एवरी वन यूजिंग दैट लैंग्वेज अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स एंड सिम्बल्स द सेट ऑफ़ वर्ड्स अलाउड ए लैंग्वेज इज़ कॉल्ड इट्स वॉकेबलरी जो सेट ऑफ़ वर्ड्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं वोकेबलरी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए वर्ड्स यूज इन इंग्लिश फ्रॉम द वॉकेबलरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो वर्ड्स हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो इंग्लिश की लैंग्वेज में होते हैं वोकेबलरी में होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की ईच वर्ड हैज़ ए डिफाइनाइट मीनिंग हर एक वर्ड का एक डिफाइनाइट मीनिंग होता है सिमिलरली सेम इसी टाइप से Every computer language has a vocabulary of its own. हर एक कंप्यूटर की अपनी vocabulary होती है Each word in the vocabulary has a डिफाइनाइट unambitious meaning. हर एक वर्ड की अपनी vocabulary होती है और अपना एक डिफाइनाइट मीनिंग्स होता है Main difference between a natural language and a computer language is that Each natural language have a large vocabulary, but most computer languages use a very limited or restricted vocabulary. दोनों में नेचुरल लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज का मेन डिफरेंस ये होता है कि कोई भी जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उसकी बहुत बड़ी अमाउंट में वॉकेबलरी होती है जबकि जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसकी लिमिटेड और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वॉकेबलरी होती है दिस इज़ बिकॉज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाई इट्स वेरी नेचर एंड पर्पस डज़ नॉट नीड टू से टू मच Every problem to be solved by a computer has to be broken down into discrete logical steps. इसलिए क्या होता है कि कंप्यूटर में जिस कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है आफ्टर दैट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं आपके जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए ऑपरेशंस फ़ॉर डाटा मूवमेंट हो गए विद इन सी पी यू एंड मेमोरी, सी पी यू से मेमोरी में किसी डाटा को मूव कराया जा रहा है लॉजिकल और कंपेरिजन ऑपरेशंस हो गए एवरी नेचुरल लैंग्वेज हैज़ ए सिस्टमेटिक मैथड ऑफ यूजिंग द वर्ड्स एंड सिम्बल्स इन दैट लैंग्वेज डिफाइंड बाई द ग्रामर रूल्स ऑफ द लैंग्वेज कोई भी नेचुरल लैंग्वेज होती है वो सिस्टमेटिक मेथड को यूज़ करती है जिसमें कि मतलब फॉलो करती है ग्रामर रूल्स को सिमिलरली वी नीड टू यूज़ द वर्ड्स एंड सिंबल्स ऑफ ए कंप्यूटर लैंग्वेज सेम इसी टाइप से हमें कंप्यूटर लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं कुछ वर्ड्स को सिंबल्स को एज पर नॉन द सेट ऑफ रूल्स जिसको हम सेट ऑफ रूल्स कहते हैं या फिर जिसको सिंटेक्स रूल्स कहा जाता है इन केस ऑफ ए नेचुरल लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज की तो वन कैन यूज़ पुअर और इनकरेक्ट वोकेबलरी एंड ग्रामर एंड स्टिल कम्युनिकेट विद हीज़ हर थाट्स तो पुअर हम इनकरेक्ट वोकेबलरी भी यूज़ करते हैं हम ग्रामर का यूज़ नहीं करते या फिर रॉन्ग ग्रामर का यूज़ करते हैं फिर भी हम अपने थाट्स शेयर करते हैं बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो सिंटेक्स होता है उसी को फॉलो करके हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी सिस्टम परफॉर्म करता है अदरवाइज यू विल गेट द रोंग रिज़ल्ट Over the years, programming languages have progressed from machine-oriented languages that use strings of binary ones and zero to problem-oriented languages. However, we can easily all computer languages broadly into the following three categories. क्या हो रहा था मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी तो इसको हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया कौन कौन सी कैटेगरी थी तीन हमारी मशीन लैंग्वेज असम्बली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज सबसे पहले हम समझेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है मशीन लैंग्वेज देखिए जो आपकी जीरो वन जीरो की लैंग्वेज होती है बाइनरी जो लैंग्वेज होती है दैट इज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज ऑल द वी कैन डिजाइन ए कंप्यूटर टू मेक इट अंडरस्टैंड मैनी डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस एवरी कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग ए ट्रांसलेशन प्रोग्राम दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के किसी भी प्रोग्राम को बिना ट्रांसलेट किए जो लैंग्वेज यूज करता था कंप्यूटर वो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर इज रिटर्न एज स्ट्रिंग्स ऑफ बाइनरी वनस एंड जीरो मशीन लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है वन एंड जीरो की फॉर्म में द सर्किटरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन रिकोगनाइज द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इमिडिएटली इट कन्वर्ट दैम इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल नीडेड टू एग्जीक्यूट दैम ये इसको कन्वर्ट कर देते थे किसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती थी या नीड होती थी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन नॉर्मली हैज ए टू पार्ट फॉर्मेट मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में दो तो पार्ट को फॉलो करते थे टू पार्ट फॉर्मेट होते थे कौन कौन से फर्स्ट पार्ट इज द ऑपरेशन कोड फर्स्ट पार्ट ऑपरेशन कोड होता है दैट टेल्स द कंप्यूटर जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है सेकेंड पार्ट इज द ऑपरेंट सेकेंड पार्ट ऑपरेंट होता है दैट टेल्स जो बताता है वेयर टू फाइंड और स्टोर द डाटा वेयर टू फाइंड और स्टोर द डाटा ऑन विच द कंप्यूटर हैज टू परफॉर्म द फंक्शन जिसपे कंप्यूटर को फंक्शन परफॉर्म करना है ईच इंट्रक्शन टेस्ट द कंप्यूटर हर एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताती है वट ऑपरेशन टू परफॉर्म एंड लेंथ एंड कितनी लेंथ है प्रोग्राम की एंड लोकेशन ऑफ द डाटा फील्ड इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन एवरी कंप्यूटर हैज ए सेट ऑफ ऑपरेशन कोड्स कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट हर एक कंप्यूटर की अपने सेट होते हैं ऑपरेशन कोड्स के जिसे हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं हर एक ऑपी कोड जो होते हैं इन द इंस्ट्रक्शन सेट में ऑपरेशन कोड कॉल्स इट्स इंस्ट्रक्शन सेट ईच ऑपरेशन कोड इन द इंस्ट्रक्शन सेट इज मीन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक बेसिक ऑपरेशन और फंक्शंस टिपिकली ऑपरेशन इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ ए कंप्यूटर टिपिकली कौन कौन से ऑपरेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं देखिए फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप जो भी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रेक्शन मल्टीपिकेशन जो भी करते हो दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक ऑपरेशन नेक्स्ट आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेशन इज द थर्ड इज द ब्रांच ऑपरेशन कंडीशनल हो गए अनकंडीशनल हो गए ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू द एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंट फील्ड एक्सेट्रा फोर्थ आते हैं डाटा मूवमेंट ऑपरेशन फ़ॉर मूविंग डाटा बिटवीन मेमोरी लोकेशंस एंड रजिस्टर्स जहाँ पर आप डाटा को मूव कराते हैं मेमोरी से रजिस्टर से मेमोरी से रजिस्टर में और या फिर रजिस्टर से मेमोरी में नेक्स्ट है डाटा मूवमेंट ऑपरेशन फ़ॉर मूविंग डाटा जहाँ पर आप डाटा को मूव कराते हो इनपुट डिवाइस से मैमरी में या फिर मेमरी से आउटपुट डिवाइस में जहाँ पर आपको डाटा डिस्प्ले होता है देखिए ये डायग्राम देखिए दैट इज द ऑपरेशन कोड ओपी कोड जिसे हम कहते हैं दैट इज द ऑपरेंड जहां पे एड्रेस और लोकेशन है दैट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये कंप्लीट क्या है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाता है टिपिकल सिंगल एड्रेस मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है सम कंप्यूटर्स यूज ओनली सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शंस मैनी कंप्यूटर्स यूज मल्टीपल एड्रेस इंस्ट्रक्शन कुछ कंप्यूटर्स तो क्या हैं जो सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं जिसमें एक और एक से ज़्यादा ऑपरेंट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगेन एंड एडेंड में बी टू ऑपरेंट्स एंड एडिशन ऑपरेशन ऑल कंप्यूटर्स यूज बाइनरी डिजिट् सभी कंप्यूटर्स कौन सी डिजिट्स यूज कर सकते हैं करते हैं बाइनरी डिजिट जिसे हम जीरो एंड वन बोलते हैं परफॉर्मिंग इंटरनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हैंस मोस्ट कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ बाइनरी नंबर्स फॉर एग्जांपल ए टिपिकल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू प्रिंट ए नंबर ओन ए प्रिंटर माइट बी एक टिपिकल प्रोग्राम का एग्जांपल दिया है देखिए वन जीरो वन जीरो 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 वन 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 जीरो 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 प्रोग्राम प्रोग्राम टू एट टू नंबर्स इन मेमरी एक ऐसा प्रोग्राम है जो दो नंबर को एड करेगा मेमरी में और रिजल्ट प्रिंट आ, आ, कराएगा अब देखिए जब रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट कुछ हमें ऐसा ऐसा परफॉर्म हो रहा है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या हम इसको समझ सकते हैं दिस लैंग्वेज इज नॉट इजी टू यूज ये लैंग्वेज बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल है इसको रीड करना और समझना बिकॉज इट यूज ए नंबर सिस्टम विच वी आर नॉट फैमिलियर जिस लैंग्वेज से हम फैमिलियर नहीं हैं तो हाउ एवर सम फर्स्ट प्रोग्रामर्स हु वर्क विद द फर्स्ट फ्यू कंप्यूटर्स एक्चुअली रोड देयर प्रोग्राम्स इन बाइनरी फॉर्म एज दिस वन लेकिन जो फर्स्ट प्रोग्रामर्स थे जो इस कंप्यूटर लैंग्वेज के साथ काम करते थे एक्चुअली वो अपने प्रोग्राम को इसी लैंग्वेज में इनपुट देते थे और इसी लैंग्वेज में उनको आउटपुट भी मिलता था सिंस ह्यूमन प्रोग्राम फेमिलियर विद डेसीमल सिस्टम्स बट क्या था कि वो इसके साथ इतना इसको समझना और याद रखना बहुत ही मुश्किल होता था इसलिए कुछ ह्यूमन प्रोग्रामर्स बहुत ज्यादा फेमिलियर हुए किसके साथ में डेसीमल नंबर सिस्टम के साथ में तो वो प्रेफर करने लगे थे डेसीमल नंबर सिस्टम को कंपेयर टू बाइनरी लैंग्वेज दे प्रेफर टू राइट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इन डेसिमल एंड लीव इट टू द इनपुट डिवाइस और किस पर छोड़ देते थे इनपुट डिवाइस पर कि क्या करें इनपुट डिवाइस उसको कन्वर्ट करती थी किस में बाइनरी में इनफैक्ट विदाउट टू मच एफर्ट्स ए कंप्यूटर कैन बी वायर्ड सो दैट इंस्टीड ऑफ यूजिंग लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ वनस एंड जीरो वी कैन यूज द मोर फैमिलियर डेसीमल नंबर्स इसलिए हम एक लंबी स्ट्रिंग्स लिखने के बजाय कि कंपेयर हम लंबी स्ट्रिंग जीरो वन जीरो की लैंग्वेज लिखें यूज करते थे किसको प्रोग्रामर्स डेसिमल नंबर्स को विद दिस चेंज द प्रेजिडिंग प्रोग्राम अपीयर्स एज फॉलो अभी जो आपने पहले प्रोग्राम देखा जब इसको हमने डेसिमल नंबर्स में किया तो ये कुछ इस टाइप का दिखा वन जीरो जीरो वन फोर सेवन वन वन फोर जीरो जीरो टू जीरो फोर वन दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वेदर इन बाइनरी में भी हो सकता है डेसिमल में भी विच ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा था विदाउट द हेल्प ऑफ ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम इस कॉल्ड द मशीन कोड या फिर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जिसे हम कह रहे थे इसमें कोई भी कोई ट्रांसलेटर नहीं था कोई ट्रांसलेट ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम नहीं था वी नीड नॉट नेसेसरी कॉड ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम एज स्ट्रिंग्स ऑफ बाइनरी डिजिट तो वी कैन ऑल्सो राइट इज हम इसे लिख सकते थे किसमें डेसिमल डिजिट्स में अगर इफ द कंप्यूटर सर्किटरी परमिट दिस अगर कंप्यूटर सर्किट इस चीज की परमिशन देता था तो अब आप इसकी एडवांटेज एंड लिमिटेशन देखिए मशीन लैंग्वेज की कुछ अपनी एडवांटेजेस थी और अपनी कुछ लिमिटेशंस थी कौन कौन सी थी सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है मशीन डिपेंडेंट एज द इंटरनल डिज़ाइन ऑफ एवरी टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर अगर हम कंप्यूटर के डिज़ाइनिंग की बात करें इंटरनल डिजाइनिंग की बात करें तो हर एक कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग एक दूसरे कंप्यूटर से डिफरेंट होती थी मशीन लैंग्वेज ऑल्सो डिफर फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर सेम इसी टाइप से जो मशीन लैंग्वेज यूज़ हो रही थी वो मशीन लैंग्वेज भी डिफर होती थी ए कंप्यूटर पे कुछ और कोडिंग थी और दूसरे कंप्यूटर पे कुछ और लैंग्वेज थी लैंग्वेज जीरो वन जीरो की थी बट कोडिंग डिफरेंट होती थी हैंस आफ्टर बिकम प्रोफिशियंट इन द मशीन लैंग्वेज ऑफ वन टाइप ऑफ कंप्यूटर इफ़ ए कंपनी डिसाइडिड टू चेंज टू अनादर टाइप इट्स प्रोग्रामर्स विल हैव टू लर्न न्यू मशीन लैंग्वेज अगर किसी कंपनी ने डिसाइड किया कि इसके अंदर हमें चेंजेस करवाने हैं तो प्रोग्रामर को नई न्यू मशीन लैंग्वेज को न्यू मशीन लैंग्वेज को लर्न करना पड़ता था एंड वुड हैव टू रीराइट ऑल एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स और जितने भी प्रोग्राम्स होते थे उन सब पे उसको रीराइट करना पड़ता था दैट इज मशीन डिपेंडेंट नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू प्रोग्राम ऑल दो ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स डायरेक्टली एंड एफिशंसली but it is difficult to program in machine language it is necessary for a programmer to either memorize the dozens of op code numbers for the commands in the machine instruction set or refer to a reference card constantly a programmer must also keep track of storage locations of data and instructions मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामर मस्ट बी नॉलेजेबल अबाउट द हार्डवेयर स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर डिफ़िकल्ट होती थी प्रोग्राम करना डिफ़िकल्ट होता था कैसे कि कंप्यूटर एग्जीक्यूट होता था मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स डायरेक्टली एंड एफिशंसली बट डिफ़िकल्ट होता था कि वो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में तो ज़रूरी हो जाता था कि जो प्रोग्रामर है वो इतने सारे ओ कोड को कैसे मेमोराइज़ करके रख सकता है फॉर द कमांड्स इन द मशीन इंस्ट्रक्शन सेट और रेफर टू रेफरेंस कार्ड कॉन्स्टेंटली प्रोग्रामर को मस्ट ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ स्टोरेज लोकेशंस ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रखनी होती थी तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामर मस्ट बी नॉलेजेबल अबाउट द हार्डवेयर स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर नेक्स्ट आता है एरर प्रॉन फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज ए प्रोग्रामर हैज़ टू रिमेंबर द ओ कोड एंड मस्ट कीप ट्रैक ऑफ स्टोरेज लोकेशंस ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस राइटिंग अगर वो प्रोग्रामर मशीन लैंग्वेज में काम कर रहा है तो प्रोग्रामर को कंपलसरी हो जाता था उसे सारे ओ पी कोड याद रहें और वो रिमेंबर रखे स्टोरेज लोकेशंस ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस की कि कहाँ पर वो डाटा स्टोर है दिस मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉन्सनट्रेट फुली ऑन द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम रिजल्टिंग इन प्रोग्रामिंग एरर जिसकी वजह से क्या आने लगे प्रोग्रामिंग एरर आने लगे लेक ऑफ एनी इमेडिएट विजल इंडिकेशन ऑफ एन एरर एज द प्रोग्राम मर वायर्स मशीन लैंग्वेज कोड इट मेक्स रिमूवल ऑफ सच एरर्स ऑल द मोर डिफिकल्ट इसने इसको और ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया नेक्स्ट आता है डिफिकल्ट टू मॉडिफाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू करेक्ट और मॉडिफाई मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम यस इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि अगर हमें मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को करेक्ट करना है या फिर उसको मॉडिफाई करना है चेकिंग मशीन इंस्ट्रक्शन टू लोकेट एरर इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग डिफिकल्ट तो था ही था साथ ही उसमें पूरा टाइम लगता था मॉडिफाई ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम लेटर इज सो डिफ़िकल्टैट मैनी प्रोग्रामर्स प्रेफर टू कोड न्यूलॉजिक इंस्टेड ऑफ इन नेसेसरी मोडिफिकेशंस इन द ओल्ड प्रोग्राम क्या करने लगे प्रोग्रामर नए नए लॉजिक यूज़ करने लगे कि वो पुराने में मॉडिफाई करें इससे अच्छा क्यों ना कुछ नया लॉजिक यूज़ किया जाए इन शॉर्ट वी रेयरली यूज़ मशीन लैंग्वेज टुडे फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स बिकॉज इट्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग इसलिए हम टूडे वी आर बहुत ही कम हम मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम का यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए क्योंकि इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डू सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस असेंबली लैंग्वेज